एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, कुंडली भाग्य सीरियल में धीरज धूपर की एंट्री होने वाली है, ये खबर हर तरफ है। साथ ही साथ शो में 6 साल का बड़ा लीप भी आएगा, जिसके बाद आपको कहानी में प्रीता अपनी बच्ची को संभालती हुई नजर आने वाली है। लेकिन दोस्तों, शक्ति अरोड़ा यानी कि इस वक्त जो करण लूथरा होने का दावा करते हैं और जो करण लूथरा बनकर आए हुए हैं, वो शो से एग्जिट कर लेंगे, यानी कि नकली करण बाहर, असली करण आएगा यानी कि धीरज धूपर आएगा लूथरा फैमिली में वापस। दोस्तों, ऐसे में किस तरह से होगी कहानी शुरू, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा देखना। तो दोस्तों, बताएं आपको हम आज के इस खास वीडियो में कि कुंडली भाग्य सीरियल के लीप की कहानी में धीरज धूपर की एंट्री आखिर किस अंदाज में होगी। वेल दोस्तों, धीरज धूपर इस वक्त शेरे दिल शेरगिल में नजर आ रहे हैं, लेकिन खबर है कि शेरे दिल शेरगिल के एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छी टीआरपी ना आने की वजह से शो को अब ऑफ एयर कर दिया जाएगा और वापस से शेरे दिल शेरगिल को छोड़कर धीरज धूपर अपने करण लूथरा वाले किरदार में पहुंच जाएंगे और उनकी एंट्री होगी इस तरह से कि जो बेटी है उनकी यानी कि जो काव्या है, वो प्रीता से जुदा हो चुकी होगी और वो काव्या को लेकर पहुंचेगा और बताएगा कि ना तो तुम्हें अपने पति की परवाह थी, ना तुम्हें बेटी की परवाह है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऋषभ चाहिए था, इसीलिए तुमने मेरी आखिरी निशानी को भी मुझसे दूर कर दिया। और इसी बात पर जंग होगी दोनों मियां बीवी के बीच। कितने एक्साइटेड हैं आप कहानी के लिए? हमें कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।